अभी ओपी शर्मा जैसा कि अभी बताया गया था और पिछले 10 साल से इस बिजनेस में लगातार अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहा हूं, सीख रहा हूं। ये बिजनेस की सेकेंड जनरेशन भी मुझे बोला जाता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ये दुनिया का एक ऐसा मात्र बिजनेस है जहां पर मेरे पिताजी ने जिनके साथ काम किया वो सारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद है और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज उनके साथ मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला जहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड या आने वाली कितनी जनरेशन एक ही मंच पे आके पेड़ का हिस्सा बन जाती है, वो है आरसीएम बिजनेस। मोटिवेट करती है हमें हमारी स्टोरी। कोई भी इंसान जिंदगी के अंदर सफलता की जब कहानी रचता है, लिखता है एक ख्वाब के साथ, एक सपने के साथ, क्योंकि शुरुआत हर आदमी जीरो से करता है। मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया सन 2000 के अंदर, जब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आरसीएम ने कदम रखा। वो दौर दोस्तों शुरुआती वो दौर जहां पर लोग इस सिस्टम पे विश्वास नहीं किया करते थे, बिलीव नहीं किया करते थे, जहां एक प्रोडक्ट हुआ करता था पैंट पीस, वहां से इस बिजनेस को मेरे फादर ने चालू किया। चूंकि बहुत ही गरीब फैमिली से हम निकले, बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ में वो संघर्ष देखा जहाँ पर एक बच्चा था खिलौनों से खेला करता है, उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को एक जगह पर लाकर स्टेबल किया। पूरी जिंदगी मेहनत कर रही, पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया, छोटी सी उम्र से स्ट्रगल चालू हुआ और स्ट्रगल करते करते जैसा कि मैं हमेशा अपनी स्टोरी में एक बात बताता हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है कि उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में कचौड़ी तक बेची, समोसे तक बेचे, क्योंकि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। पढ़ाई करते करते उनको राजस्थान गवर्नमेंट में बहुत अच्छी जॉब मिली, इक्वल टू आईएएस ऑफिसर। और सन 2000 के अंदर जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं और नए लोग जो यहाँ पर आज पहली बार आए, मैं बताना चाहूंगा कि 25,000 रुपया महीना सैलरी उनको सन 2000 में राजस्थान गवर्नमेंट देती थी। सरकारी गाड़ी उनके पास थी, उस पर एक खूबसूरत लाल बत्ती लगी हुई थी, एक शानदार मकान जो सरकार की तरफ से मिला, एक शानदार पोस्ट उन्हें मिली। और हर आदमी एक सपना देखता है जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है कि मुझे एक शानदार नौकरी मिले, देखता है नहीं देखता, हेलो देखता है नहीं देखता। और जहां पर आपको ये सारे सपने पूरे होते नजर आते हैं, जहां पर आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, शानदार लाइफ स्टाइल मिल जाए, जहां पर आप अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर से संघर्ष करते करते एक ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच जाए, तो हर आदमी ये सोचता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, बहुत बेहतर मिल गया। लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि जो हमें मिला वो किसका है? वो हमारा नहीं है, वो सरकार का है। जब तक उस कुर्सी पर आप मालिक हो, जिस कुर्सी से हटे वो कुर्सी भी आपसे नहीं पूछेगी कि तुम कौन हो। हेलो, पूरी जिंदगी देने के बाद भी अगर वो कुर्सी हमारी नहीं हो सकती, वो पोस्ट हमारी नहीं हो सकती, तो ऐसा काम किस काम का जहां पर पूरी लाइफ लगाने के बाद हम स्टेबल नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और वहीं पर आरसीएम बिजनेस बोलता है कि मुझे जिंदगी के कुछ पल कुछ समय दे दे, मैं आने वाली जब तक तेरी सांसें चलेगी तब तक तेरे को संघर्ष में जिंदगी के अंदर सिक्योर कर दूंगा, और तेरे को ही नहीं तेरे आने वाली पीढ़ी को भी सिक्योर कर दूंगा। ये ताकत और ये पावर है तो वो है आरसीएम बिजनेस की। और यही चीज देखते हुए, इसी चीज को महसूस करते हुए आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, दिन रात मेहनत किया, संघर्ष किया, और उनकी एक लाइन मुझे बहुत अट्रैक्ट किया करती थी और मैं चाहूंगा कि वो लोग आज आप यहां से लेकर जाए। मेरे फादर एक बात बोला करते थे कि अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी के अंदर कचौरी बेच के 25,000 रुपया महीना कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25,00,000 भी कमा सकता है। अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आरसीएम बिजनेस आया, जिंदगी बदल गई। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, उनको गए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। 2013 में उनका देहांत हुआ। जैसा कि इस बिजनेस की परंपरा है, इस बिजनेस की क्वालिटी के सेकंड जनरेशन में बिजनेस आता है, बिजनेस हमारे परिवार के बाद फादर के बाद मेरे को मिला। और आज जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी को 180 डिग्री कोण से बदल दिया। और आज मेरे पास वो सब कुछ जैसे एक आदमी सपनों में सोचा करता है या सपनों में देखा करता है। इवन दुनिया का ये वो मात्र बिजनेस है दोस्तों जो सपने तो पूरे करता है, जो सपनों में भी आपने नहीं देखा उन सपनों को भी पूरा कर देता है। ये ताकत है इस बिजनेस। आज इस बिजनेस से इतनी इनकम आती है कि हर महीने मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ी खरीदे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ये ताकत है इस बिजनेस की। हेलो,
ये पावर है इस बिजनेस की कि सोचना नहीं पड़ता, जिस चीज पर आप हाथ रखोगे आपकी हो जाएगी, लेकिन उस चीज को पाने के लिए हमें एक डिसीजन, एक कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा कि अगर आज आपने आपसे बिजनेस को समझ लिया तो आगे वाली जनरेशन उसका हाथ कभी भी किसी के सामने ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। और ये हाथ होता है देने वाले का, ये हाथ होता है जिंदगी बनाने वाले का।